नागा साधुओं को चौंकाने वाला इतिहास। प्रयागराज में कुंभ का स्नान चल रहा है। इस कुंभ में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं नागा साधु। नागा साधु बिना कपड़े के शरीर पर राख पोते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा रहस्य यह होता है कि स्नान के बाद अचानक वे गायब कहां हो जाते हैं। नागा साधु आम जनमानस को दर्शन नहीं देते। माना जाता है इनका पूरा संसार अखाड़े तक ही सीमित रहता है। हालांकि जब कुंभ और अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, तब ये पूरे अखाड़े के साथ दिखाई देते हैं। आम लोगों के लिए नागा साधु बेहद अचरज का विषय होते हैं, क्योंकि इनका पहनावा, क्रियाकल्प और इनकी पूजा विधि बहुत ही अलग होती है। नागा साधुओं को समझना बेहद मुश्किल होता है कि कब वे गुस्सा हो जाएं और कब खुश हो जाएं। इसलिए प्रशासन की तरफ से इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नागा मतलब ही पहाड़ होता है। कुंभ स्नान के बाद कुछ नागा साधु पहाड़ों पर चले जाते हैं, बाकी अपने अखाड़े में चले जाते हैं। नागा साधु अक्सर रात में यात्रा करते हैं और ऐसे सुनसान रास्ते से चलते हैं जहां उनकी लोगों से मुलाकात ना हो। इतना ही नहीं, अब नागा साधुओं की लिस्ट में महिलाएं भी शामिल हो गई हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं को कपड़े पहनने पड़ते हैं। कहा जाता है आम जीवन जीने से 100 गुना कठिन जीवन नागा साधुओं का होता है। लगभग 1 साल तक कड़ी मेहनत और कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। शिक्षा ग्रहण करने से पहले उन्हें अपनी इच्छाओं और वासनाओं का त्याग करना पड़ता है। नागा साधु 24 घंटे में मात्र एक बार ही भोजन करते हैं। यहाँ आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर नागा साधु आए कहाँ से हैं। आपको बता दें, शंकराचार्य के काल में भारत में मठों और मंदिरों के धन को लूटने के लिए आक्रमणकारी आ रहे थे। इन आक्रमणकारियों से बचने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों और सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़े की स्थापना हुई थी। धर्म और समाज की रक्षा के लिए अखाड़े में मौजूद लोगों को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी जाती थी। ये अखाड़े मंदिर और मठों में मौजूद रहते थे। धर्म के इस कार्य में 40,000 नागा साधुओं ने हिस्सा लिया था। कई बार युद्धों में नागा साधुओं को राजा महाराजाओं के भी समर्थन प्राप्त हुए थे। एक बार अहमद शाह ने मथुरा पर कब्जा करने के मकसद से मथुरा में हमला किया था, तब नागा साधुओं ने अपनी ताकत दिखाते हुए उन्हें धूल चटाई थी। तब से अभी तक इन नागा साधुओं के अखाड़े चलते आ रहे हैं।